अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू होम चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, भाग दौड़ लगी हुई है। अभी मैं थोड़ा सा लेट हूँ, आज फिर ड्राइविंग टेस्ट बुक करवाया हुआ है तो उसके लिए जा रहे हैं। और शोर था तो दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करके आते हैं इंशाल्लाह। और फिर फर्दर क्या प्लान हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, ड्राइविंग टेस्ट क्लियर होने के बाद क्या क्या गोल्स हैं। तो चलते हैं और ड्राइविंग टेस्ट देते हैं, जो कि मेरा आज है चिंगफर्ड में। तो तकरीबन 1.5-2 आवर्स की जर्नी है सलाऊ से। बाय ट्रेन जाऊंगा, फिर आगे बस लूंगा। तो चलते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। इसी तरह मोटिवेशन मिलती है फर्दर वीडियोज़ बनाने में, तो डू हेल्प। सो लेट्स गो एंड वीडियो एंड तक देखते हैं। मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, धूप निकली हुई है। मौसम का है, वेदर का क्यों लोग बात करते हैं यूके का, क्योंकि अक्सर जब से मैं आया हूँ तब से ठंड है। लास्ट ईयर अक्टूबर में आया था और अभी हो गया जून चल रहा है और अभी भी ठंड है। तो जिस दिन धूप निकली हो तो मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वेदर भी साथ दे रहा है, एक पॉजिटिव अच्छी वाइब्स आ रही हैं। तो लेट्स सी इंशाल्लाह इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ दिन का आगाज़ करते हैं और इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर करके आएंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो इस वक्त बच्चे स्कूल जाते हुए पढ़े जी, मेहनत करें तभी कुछ बनेंगे। अपना टाइम याद आ गया भाई, स्टडी करते हुए स्कूल जाए। गुड लक। नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ बस से जाना, लेकिन ये है कि ये रूट ट्रेन पे ही सूट करेगा। और क्योंकि वैसे ही ट्रेन पे जाऊँ, फिर आगे एक बस लेनी है तो 1.5-2 घंटे तो मेरे लग जाएंगे। तो जो ट्रेन की टिकट है वो महंगी पड़ती है और आपको वीकडेज़ में मंडे टू फ्राइडे 13 पाउंड्स की रफली पड़ेगी। और अगर नहीं, मंडे टू फ्राइडे पीक आवर्स विच इज़ स्टिल बिफोर 10 AM वो आपको पड़ेगी 29.3 पाउंड्स की रफली। एंड अगर आप 10 AM के बाद ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपको टिकट पड़ेगी, अगर आपके पास रेल कार्ड है जो कि डिस्काउंटेड कार्ड होता है, वो आपको पड़ेगी 13 पाउंड्स की ऑलमोस्ट, वरना 19 पाउंड्स की ऑफ पीक टाइमिंग्स में। ऐड करता चलूँ तो जो बस की टिकट है वो रफली कुछ जगहों पे 1.75, और जो रेड बसेज है लंदन में जो मेन चलती हैं उसकी 2 पाउंड्स है वन साइड, तो वो चीप पड़ जाती है कंपैरेटिव। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लाओ रेल स्टेशन। टेस्को की पार्किंग के अंदर से गुजर रहा हूँ, जैसे शॉर्टकट है सलाऊ रेल स्टेशन। ये बहुत बड़ी पार्किंग है। बेसिकली यहाँ पे एक ग्रॉसरी स्टोर है, इसी तरह सेंसबरी है, लिडल है, एलडी है, एसडा है, तो ये सारे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं। लिडल की प्राइस कंपैरेटिव सबसे कम होती है, देन एसडा की भी, और इनसे आप कर सकते हैं टेस्को की फिर उससे बेहतर है, मतलब उससे थोड़ी सी महंगी हो जाती है और सेंस भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और अगर आपने बल्क में चीज़ें लेनी है तो फिर आप कॉस्को चले जाएं। कॉस्को की आपको मेंबरशिप चाहिए होगी तो वहाँ पे बल्क में चीज़ें मिलेंगी लेकिन आपको सस्ती मिल जाएंगी, आपको कुछ महीने आपका
राशन चल जाएगा। तो मैं ऑलमोस्ट देयर टू स्लाउ रेल स्टेशन। नाइस सनी वेदर। दिस इज टेस्को ग्रोसरी स्टोर। और इसके सामने ये जी स्लाउ रेल स्टेशन आ गया। And this is the rail station। यहाँ पे आप टिकट अंदर से भी ले सकते हैं जाके टिकट काउंटर से, यहाँ फिर ये बाहर इस तरह बूथ बने होते हैं सेल्फ सर्विस टिकट बूथ, तो आप यहाँ से टिकट ले ले। तो अभी हम खुद ही लेंगे। तो इसके अंदर डिफरेंट जोन्स हैं, आप किस जोन में जा रहे हैं आप उसके हिसाब से ले। तो इसके अंदर हमने, मैं जोन 1-6 ही लूँगा जो कि देखें 29.3 पाउंड्स की पड़ रही है। आप सर्च भी कर सकते हैं A to Z कौन सा जोन आपका बन रहा है। तो अभी इसको 29.3 वाला लेंगे। जोन 1-6 डेली है रिटर्न। और अगर आपके पास कोई नेटवर्क डिस्काउंट कार्ड है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास रेल का नेटवर्क कार्ड है लेकिन वो इस टाइमिंग में नहीं है क्योंकि ये अभी मैं 8:30 बजे तकरीबन जा रहा हूँ, 8:30। तो ये 10 के बाद अवेलेबल होता है। तो उस पर ये जो 29 पाउंड्स की टिकट है 29.3 की, ये आपको पड़ जाएगी 13 पाउंड्स की। सो नो वरीज, नो रेल कार्ड। ओके सो अब इधर हम, आप कैश भी दे सकते हैं या टैप कर सकते हैं, हम टैप करेंगे। थ्री पाउंड्स पे किया। अभी ये टिकट प्रिंटर है जोन 1-6 की एडल्ट टिकट। और ये सर नीचे यहाँ पे आएगी, वहाँ से टिकट आप कलेक्ट करें। 13 जून की है। और ये स्टेशन है, यहाँ से अब एंटर होते हैं और हमने जाना है प्लेटफॉर्म 5 से। तो यहाँ से आप इसको टिकट ये डालें, निकलेगा, पिन हो गए एंड देन यू आर गुड टू गो। सो दिस वन इज, अब यहाँ से हम चलते हैं प्लेटफॉर्म 2 है, हमने जाना है प्लेटफॉर्म 5 पे। तो हम प्लेटफॉर्म 5 पे चलते हैं। इस तरह ओवर पास बने होते हैं, आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। फाइव पे जाएंगे हम, प्लेटफॉर्म 5 पे। अनाउंसमेंट होती है, एंड ऑन द स्टेयर्स प्लीज यूज द हैंड रेल्स, ताकि आप सेफ ट्रैवल करें। हाँ जी व्यूअर्स, तो प्लेटफॉर्म 5 पे आ गया। यहाँ से हमें कैश करनी ट्रे एबे वुड की। तो ये टाइम लिखी होती है किन किन स्टेशन से गुजरती हुई जाएगी। तो हमने यहाँ से जाना है बॉन्ड स्ट्रीट और फिर वहाँ से आगे एक और ट्रेन विक्टोरिया लाइन या फिर सर्कल लाइन। तो उधर से फिर चिंगपट जाएंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मॉर्निंग टाइम बिजी होता है काफ़ी, एंड इस तरह टक शॉप्स भी अवेलेबल होती हैं जहाँ पर आप खा सकते हैं जितनी देर ट्रेन। और ये रिफ्रेश कुछ ले लें।
अभी दूसरी साइड ट्रेन आई है। चलें जी बैठ के इंतज़ार करते हैं अपनी ट्रेन का। वीडियो देखते रहें आखिर तक, इंशाल्लाह आपको कि टेस्ट का क्या बना, दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह पास करेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो इस तरह देख सकते हैं 8:27 हो रहे हैं और 8:36 पे हमारी ट्रेन आएगी एबेवुड। हमने वो लास्ट स्टॉप एबेवुड होता है ट्रेन का, तो ऑन दी वे हमने बॉन्ड स्टेशन तक जाना है। हाँ जी व्यूअर्स, तो प्लान आपने अपनी जर्नी अगर करनी है तो उसके लिए आप tfl.gov.uk आप वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके अंदर अपना करंट लोकेशन आप ऑटोमेटिक एंटर करेंगे, फिर आपने डेस्टिनेशन एंटर करनी है, दैन डेट किस डेट को आपने जाना है, टाइम एंटर करेंगे, फिर एडिट प्रेफरेंसेस में आप बस सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेन, ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड, जो आपकी प्रेफरेंस है वो, फिर आप फास्टर रूट्स तो या फिर रूट्स विद फ्यूअर चेंजेस में आप बचत होगी, आपके पैसे बचेंगे, वो सेलेक्ट करें, दैन अपडेट जर्नी, उसके बाद ये आपको लेटेस्ट उस टाइम के मुताबिक नेक्स्ट ट्रेन बताएगा कौन सी ट्रेन कब आ रही है, ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड आपने कौन सी चेंज करनी है, दरमियान में कौन कौन से स्टॉप्स आएंगे वो आपको अपडेट करेगा, फिर सेकेंड रूट अगर ये टाइम पर नहीं जाना सेकेंड कौन सी आपके पास ऑप्शन है, वो किस टाइम पे ट्रेन आएगी वो भी आपको बताएंगे। तो तीन डिफरेंट ऑप्शंस ये आपको देता है और कौन कौन से रूट दरमियान में सारे आपको गाइड करेगा TFL। तो ये बेस्ट वेबसाइट है और इसको आप यूज़ करें अपनी जर्नी प्लान करने के लिए। बस टाइम होने लगे, टाइम हो 8:34 8:36 पर ट्रेन आने वाली है इंशाल्लाह, चलते हैं सर, वेट कर रहे हैं ट्रेन का। There's announcement भी हो रही है और हमारी ट्रेन आ रही है Elizabeth Line to Abbeville। Next station, Iver.
हाँ जी व्यूअर्स, तो टॉटनहम कोर्ट हम पहुंच गए हैं स्टेशन, और यहाँ से अब हम दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे टू ह्यूस्टन, और वहाँ से फिर हम विक्टोरिया लाइन टू वॉल्थम्स सेंट्रल, वहाँ से बस पे जाएंगे। सो लेट्स गो। हाँ जी व्यूअर्स, तो टॉटनहम कोर्ट, अब यहाँ से हमने नॉर्दर्न लाइन पकड़नी है टू ह्यूस्टन, तो इस तरह के यहाँ डायरेक्शंस होती हैं, आप फॉलो करें और पहुँच जाएंगे। सो लेट्स गो। मैप्स भी बने होते हैं कि आपने किस डायरेक्शन से स्टेशन से उतरने, अगर बाहर आपने स्टेशन से बाहर जाना है तो ये दोनों डायरेक्शन से ये एग्ज़िट होता है, और ये आपको वहाँ पे एरियाज हैं। और अब हम नॉर्दर्न लाइन लेंगे टू ह्यूस्टन, तो इस डायरेक्शन में हमें जाना। मॉर्निंग टाइम है तो बहुत रश है, इस तरह सेंट्रल लाइन जा रही है, तो हमने जाना है नॉर्दर्न लाइन की तरफ, तो हम उस डायरेक्शन में जाएंगे। ये नॉर्दर्न लाइन इस तरफ है, तो हमने इस डायरेक्शन में जाना है। जस्ट फॉलो द डायरेक्शंस। ट्रांसपोर्ट सिस्टम लंदन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, ट्रेन हो बसेस हो टाइम पे आती हैं, और आपको पता होता है आप कितने बजे पहुंच जाओगे। सो वेट नॉर्दर्न लाइन इस डायरेक्शन में, ये फर्दर डायरेक्शन है। अब हमने ह्यूस्टन जाना है, वो साउथ प्लेटफॉर्म 4 की तरफ जा रही है, ये नॉर्दर्न लाइन प्लेटफॉर्म 3 है, हमें ह्यूस्टन जाना है, तो हम ये वाली पकड़ेंगे। तो लकली हमारी ट्रेन टाइम पे आ गई। चलो, जगह भी मिल गई है भाई। मैं जी बैठ गया, यहाँ से हमने नॉर्दर्न लाइन 2 स्टॉप्स ही हैं, और यहाँ से ह्यूस्टन जाना है, वहाँ से फिर विक्टोरिया लाइन टू वॉल्थम सेंट्रल स्टेशन। इस तरह ऊपर डायरेक्शंस भी गिवन होती हैं, आप चेक कर लेते हैं कौन से स्टॉप्स नेक्स्ट हैं, और यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा है। दिस स्टेशन इज गुड स्ट्रीट। दिस इज अ नॉर्दर्न लाइन ट्रेन टर्मिनेटिंग एट हाइबानेट। हाँ जी व्यूअर्स, तो ह्यूस्टन पहुँच गए, और यहाँ से अब विक्टोरिया लाइन लेते हैं और टू वॉल्थम सेंटर। हाँ जी व्यूअर्स, तो हम पहुँच गए, अब हमारी ट्रेन पर जाना है।
Underground and National Rail Services. This is a Victoria Line train to Walthamstow Central. Walthamstow Central. तो हमने यहाँ तक Walthamstow Central जाना है. इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर कर गया. Metropolitan, Northern and Piccadilly Line, National and International Rail Services. This station has step-free access. This is a Victoria Line train to Walthamstow Central. हाँ जी भैया, तो अभी कैबिन अपना सारा हो गया, खाली हो गया, क्योंकि यार लास्ट स्टेशन Walthamstow है. तो सारे उतर गया. Walthamstow सेंट्रल जाना है, फिर वहाँ से हमने बस पकड़नी है. 257 है या 357 बस नंबर, वो वहाँ से हमने फिर चिंगफट माउंट जाना है. हाँ, इंस्ट्रक्टर के साथ मीट पॉइंट है. पहले एक घंटा प्रैक्टिस होगी और फिर गाड़ी की, और उसके बाद फिर वो मुझे टेस्ट सेंटर लेके जाएगा. वहाँ पे फिर मैं एग्जामिनर से मिलूँगा और फिर 1 आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर का मेरा फिर टेस्ट होगा इंशाल्लाह. तो इंशाल्लाह इस दफ़ा क्लियर करके आएंगे, दुआ कीजिएगा आप भी. तो फिर आपको इंशाल्लाह पते बताते हैं वीडियो के साथ बने रहिए. स्टेशन आ गया, लेट्स गो. व्यूअर्स, Walthamstow सेंट्रल पहुंच गया हूँ स्टेशन. ये लास्ट स्टॉप था इस ट्रेन का, विक्टोरिया लाइन. और अब यहाँ से मैं ओवरग्राउंड जाऊँगा, वहाँ से बस कैच करूँगा जो कि मुझे सीधा चिंगफट माउंट लेके जाएगी. सो लेट्स गो. इस तरह के ट्यूब मैप्स भी बने होते हैं, आप ट्रेन कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं कहाँ पे आपने जाना है. हाँ जी, ट्रेन चली गई है. तो ये इस तरह के मैप्स होते हैं, ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं ट्यूब मैप के नाम से, ट्यूब मैप. तो वो आप इंस्टॉल करें और कनेक्टिविटी आप अपने किसी भी एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ से आप देख लें कौन सी ट्रेन और कहाँ पे डेस्टिनेशन है आपकी, तो आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं. बाकी ये आप चेक कर सकते हैं सिंबल्स के, ये कौन सी ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इस तरह अपनी जर्नी आप प्लान कर सकते हैं. efl.gov.uk उसको विज़िट करें, वहाँ पर आप अपनी जर्नी, मैं इसमें भी बता दूँगा, तो उसका ऐप पे आपको समझा देंगे. वो आप डेस्टिनेशन लिखें और अपनी लोकेशन आपको बता देंगे. प्लस दिस इज़ दी वे आउट. यहाँ से बसेज हमने कैच करनी है, तो इधर से निकलेंगे तो सब डायरेक्शंस मेंशन होती हैं. इट्स वेरी इजी टू ट्रैवल.
जी व्यूअर्स, तो स्टेशन से बाहर आ गए और ये बेसिकली बोलते हैं तो सेंट्रल ना इधर बस स्टैंड भी है, इधर पे आती हैं, सेंट्रल बस स्टेशन है, सब बसेस यहाँ पे आके रुकती हैं। सो ये लास्ट स्टॉप है। सो साथ ही इसके टेस्को एक्सप्रेस से कुछ खाने पीने की चीज़ लेनी आप ले लें। तो अभी हम साथ ही स्टॉप है से बस कैश करेंगे, लेट्स सी। सो इससे आप डिलीवरीज कर सकते हैं ऊबर्स की साइकिल्स पे, बाई साइकिल्स पे। ये बेसिकली हम चिंगफर्ट पहुंच गए हैं और चिंगफर्ट एक नॉर्दर्न साइड पे आ जाता है लंदन के और हिली एरिया, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं यहाँ पे। तो एज़ कम्पेयर टू साउथ, ड्राइविंग भी आपको देख के करनी पड़ती है, इट्स नॉट दैट ईजी। लेकिन जो आपको टेस्ट डेट्स हैं वो मुझे अर्ली मिलनी थी चिंगफर्ट की, तो इसलिए मैंने यहाँ की बुक करवाई है। स्लाउ और रक्सब्रिज की डेट्स नहीं मिल रही थी, तो इट्स कहीं भी आपने टेस्ट देना है आप शुरू में कुछ लेसन ले लें। एक लेसन आपको पड़ेगा तकरीबन 70 to 80 pounds का, जो कि 2 hours का ये बुक करते हैं, उससे काम नहीं करते। तो वो लेसन आप लें, अगर शुरू में 3-4 किसी नए एरिया में है तो 3-4 लें, फिर उससे चांसेस आपके काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं कि आप टेस्ट क्लियर करेंगे। और टेस्ट जो आप बुक करवाते हैं वो 150 pounds का आपका बुक होगा, जिसके अंदर 1 hour पहले आपकी प्रैक्टिस सेशन होगा विद इंस्ट्रक्टर, और 1 hour 45 minutes to 1 hour आपका एग्जामिनर के साथ टेस्ट होगा। तो ये भाई खर्चा काफ़ी हो जाता है, तो आप लगा लें 70 to 80 pounds 2 hours का सेशन और प्रैक्टिस सेशंस आपके, और फिर उसके बाद जो टेस्ट आपने देना वो 150 pounds, आपने 140 to 150 pounds नॉर्मली इंस्ट्रक्टर्स लेते हैं। तो चलें जी बस का वेट करते हैं और लेट्स सी। तो ये बस स्टॉप्स हैं, इधर बस की टाइमिंग्स भी लिखी होती हैं, ये 97 नंबर बस और 15 और दूसरी कितने में आई, हमने 357 वाली लेनी है और ये सीधा हमें चिंगफर्ट माउंट लेके जाएगी, विच इज़ अनदर बस स्टेशन। बिल्डिंग्स एंड स्लोप्स हैं, उस साइड पे भी स्लोप है, तो ऐसा हिली एरिया, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी हैं। धूप निकली हुई थी लेकिन अभी दोबारा क्लाउडी वेदर हो गया है, और क्योंकि ये नॉर्दर्न साइड है थोड़ा सा इधर मज़ीद ठंडा ही होगा एज़ कम्पेयर टू स्लाउ। तो लेट्स वेट फॉर दी बस, अच्छा सा टेस्ट देते हैं। एंड व्यूअर्स, अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहें। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये TD टोटल ड्राइव ऐप है, जिसके अंदर आपको इंस्ट्रक्टर आपका देंगे आप पिन और वो एंटर करेंगे, इसके अंदर लॉगिन करेंगे, आपको डेट बता रहा है कौन सी डेट को आपकी बुकिंग है, कितने से कितने बजे प्रैक्टिस सेशन है, देन आपकी प्रैक्टिस सेशन है या ड्राइविंग टेस्ट है कौन कौन से ये कवर करेंगे, उसके अंदर आपको ट्रेनिंग देंगे, फिर आपकी पेमेंट्स वगैरह, नोटिफिकेशन इनबॉक्स, जो आपकी कन्वर्सेशन हो रही है इंस्ट्रक्टर से, सब इसके अंदर मेंशन होगा। तो ये मेरा लेसन 13 को 10:40 से 11:40 के दरमियान है। हाँ जी व्यूअर्स, इसके अलावा ये टेस्ट ही ऐप है कि जब आप टेस्ट अपना बुक करा लेते हैं यहाँ पे आप 3 different areas या ज़्यादा भी आप बुक कर सकते हैं, आप उसको सेलेक्ट करें और आपको जो अवेलेबल डेट्स होंगी नेक्स्ट वो आप अपनी चेंज डेट कर सकते हैं, ड्राइविंग टेस्ट डेट चेंज कर सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल हो। उसके लिए ये है कि आप इसको ज़्यादातर ये मॉर्निंग में आती हैं कि अगर आप सुबह सुबह उठें और आप चेक करें 6-7 बजे तो यहाँ पर कोई ना कोई डेट्स अवेलेबल होंगे, फिर आप चेंज कर सकते हैं। तो बस में बैठे हुए हैं, हेडिंग टुवर्ड्स माय डेस्टिनेशन व्हिच इज चिंगफर्ट माउंट। बस आपको चिंगफर्ट का व्यू दिखा दें,
वहाँ भी आपको काफ़ी देसी एशियन कम्युनिटी मिल जाएगी, इंडिया पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से। मोस्टली है कि आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रखते हैं, उसको आप टैप करके ना बस पे ट्रैवल करते हैं, तो डेबिट कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। कैश भी हो जाए चल जाता है, लेकिन कुछ बसेस पे आई थिंक रेड बसेस हैं जो लंदन में चलती हैं उस पे नहीं चलता, तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। सिट्रॉन का शोरूम यहाँ पे, और ये क्यूब सी गाड़ी देखी, वन सीटर है या टू सीटर है। बस चिंगफर्ड माउंट पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो गया 10:25 और हमारा सेशन प्रैक्टिस सेशन 10:40 पे स्टार्ट होना है, 10:41 पे टू बी एक्जैक्ट, 41 पे स्टार्ट होना है। तो बैठते हैं इधर, एंजॉय करते हैं। ये सेंट्रल बस स्टेशन बना हुआ है, काफ़ी बैठने की जगह है इधर, तो बैठ के एंजॉय करते हैं वेदर और फिर अच्छा टेस्ट देते हैं, एक टेस्ट देते हैं इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं आज क्लियर करके आए, फिर कुछ गोल्स हैं फर्दर वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है टेस्ट क्लियरेंस के बाद। और चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आपने थ्योरी टेस्ट किस तरह करना है, अगर उसकी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो वो वीडियो मैं इधर दिखा देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट वो आप जरूर जाके चेक कीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी।
वैसे आपको बताता चलूँ तो मुझे स्लाउ से चिंकपट माउंट आने में यहाँ पे तकरीबन मैं घर से निकला था 8 बजे और अभी 10:25 हो गए, आप कह रहे 2.5 घंटे मुझे लग गए हैं, तो इतना डिस्टेंस है। तो हमेशा प्लान अपनी जर्नी पहले करें, अर्ली करें ताकि आप टाइम से पहुँच जाएँ, लेट ना हो, और फिर आप प्रैक्टिस सेशन भी अटेंड कर सकते हैं और फिर उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट भी। सजेशन आपको तो ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे बसेस आके रुकती हैं और बैठने की बहुत जगह है, यहाँ भी बैठ सकते हैं, रेस्ट करें, नेक्स्ट बस का वेट करें। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, ये कितने प्यारे डॉग्स हैं, पपीस। यहाँ पे ये पाउंड शॉप है, आपको पाउंड की तो सारी चीज़ें नहीं, लेकिन ये है कि काफ़ी रिजनेबल प्राइजेस में आपको मिल जाती हैं ज़रूरत का सामान। एंड ये जी ऊबर ड्राइवर्स राइडर्स ऊबर ईट्स करते हैं, कुछ लोग जॉब्स नहीं करते और ये ऊबर ईट्स कहते हैं कि पैसा अच्छा मिलता है। देखेंगे, माइंड बना तो ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कितनी अर्निंग होती है पर डे। फ़िलहाल ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद गाड़ी परचेज करने का प्लान बनाएंगे, कौन सी लेनी गाड़ी, सजेशन दीजिएगा कमेंट सेक्शंस में और चैनल के साथ बने रहिए, थैंक यू। हाँ जी व्यूअर्स, तो अभी मैं चल रहा हूँ मीटअप पॉइंट पे टेस्को के साथ, है बस हार्डली 1 मिनट वॉक है, तो चलते हैं और वहाँ पे गाड़ी आपको थोड़ा सा तकलीफ दिखाता हूँ कि कौन सी गाड़ी किस पे मैं टेस्ट ड्राइव करूँगा और किस पे टेस्ट देना है। ओके, तो इस तरह के ग्रीन लाइट वॉकिंग के लिए होती है, तब आपने क्रॉस करना है। इधर काफ़ी हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं, पिज़्ज़ा है, जर्मन डोनर कबाब भी हलाल होता है नॉर्मली, और ये वाला नशो इस पर लिखा नहीं है। बहरहाल टेस्ट का लेसन का टाइम ऑलमोस्ट हो गया, 10:40 हो गया, 10:41 पे है, तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट, प्रैक्टिस करते हैं और इंशाल्लाह टेस्ट देते हैं। Nails, flower shop, flowers. फिर यहाँ पे ड्राई क्लीन की भी शॉप है, फिर ड्राई क्लीन करवाएं। काफ़ी एशियन कम्युनिटी इधर चिंगफड़ में रहती है। वेंस के लिए और फ्लावर शॉप, दिस इज टेस्को, नॉट अ ह्यूज वन, छोटा स्टोर है, ग्रॉसरी स्टोर है, यहाँ से आप ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। एंड दिस इज़ द कार जिसमें मैंने प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट देना है। चलें भैया, प्रैक्टिस शुरू करते हैं और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रैक्टिस मैं करता हूँ, टेस्ट दे के आते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो मेरी स्माइल से देख के आप ये तो अंदाज़ा लगा सकते थे मैं टेस्ट क्लियर कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आई पास, ये मेरे हाथ में पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, आई क्लियर द टेस्ट। इंशाल्लाह आपको गाइड देंगे, वीडियो में गाइड भी किया है, और आई थैंक माई इंस्ट्रक्टर मिस बा विद मी, ही गाइडेड मी वेल, गेव मी टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर या गाइडेंस, बिकॉज़ ऑफ दैट आई फील दैट यू नीड टू बी सेफ ऑन द रोड, ट्रस्टिंग मी ऑन द रोड, सो टेक गुड केयर, मेक श्योर यू ड्राइव वेल एंड यू डोंट जस्ट मेक श्योर यू आर सेफ ऑन द रोड, या वी नीड टू बी सेफ ऑन रोड, ड्राइव सेफली, वी वांट टू शो द कार, या ओके, दिस इज द कार ऑन व्हिच I got the lessons. So can I share the number?
Yeah, so, okay. So, this is Habibullah Driving School. This is the contact number. You can contact this driving center and book lessons. They are really cooperative. And Miss Bab, I tried to book with him. He's a really nice instructor. Yeah, yeah, okay. And it's in Chingford. Ye Chingford mein driving school hai. तो चिंगफर्ड में आप जल्दी डेट्स मिल जाती हैं एज कम्पेयर टू स्लाउ एंड अदर स्पेस। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई टेस्ट पास कर ली है, अब चलते हैं कहीं सेलिब्रेट करते हैं। मैं इनको ट्रीट देता हूँ और फिर चलेंगे वापस स्लाउ। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो आगे वीडियो देखते रहें, सेलिब्रेट करने चलते हैं। सो लेट्स गो। Happy Misbah, thank you so much. It must be you are the driver. You say failure is stopping doing something. Yeah. Once you are persistent and consistent doing something, at point success will come, isn't it? Yeah. And that's what you achieved today. Yeah, alhamdulillah. So the most important is remember you are going to. But it's a happy moment as your student passes. Yes, I understand. Definitely your effort time. As well. Exactly, yeah, exactly. And your time. Thank you so much. It's a good feedback. So you can check my feedback on Google also. You know? Oh, okay. Everything is there for them too. And you are also part of it, like it's not fake feedback, isn't it? Yeah. You are just one of the stories. Okay. So I wish you safe journey back home. And Thank you so much. Thank you. Thank you. Bas iske andar bhi next year karna. In short, I will just tell my viewers. So mera address different hai. तो उसको चेंज करने के लिए D1 फॉर्म है, वो मैं पोस्ट ऑफिस से लेके सेंड करना है और 20 डेज के अंदर लाइसेंस आएगा। चलें जी चलते हैं। लेट्स गो मिसबा। लेट्स। हाँ जी व्यूअर्स, तो सीन ये है कि जो मेरे इंस्ट्रक्टर मिसबा हैं वो अभी चले गए हैं क्योंकि उनका अभी लेसन 1 बजे है। आफ्टर 20 मिनट्स तो उनके पास टाइम नहीं है खाने का, तो बाद में हम मीटअप करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे इस क्लियरेंस को, ड्राइविंग टेस्ट को। तो अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ साथ ही पोस्ट ऑफिस से, जो D1 फॉर्म है, अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया तो आपने D1 फॉर्म पोस्ट ऑफिस से लेके वो आपने सेंड करना है और लिंक है और उस पर। तो चलते हैं पोस्ट ऑफिस यहाँ साथ ही ड्राइविंग सेंटर के साथ, तो लेते हैं ताकि फॉर्म पास हो, फिर आप दूसरा किधर स्लाउ में जाएंगे पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ से मैं कलेक्ट करता हूँ, उसको फिलअप करते हैं और देखता हूँ अभी फिलअप करके जमा करा दूँ या फिर शाम को बाद में करा देंगे ईजी होके। सो लेट्स गो। थैंक यू। सो दिस इज़ द टेस्ट सेंटर चिंगफर्ड में जहाँ पे मैंने ड्राइविंग टेस्ट दिया है, और ये जस्ट ऑपोजिट है चिंगफर्ड रेल स्टेशन के। दिस इज चिंगफर्ड रेल स्टेशन। ओवरग्राउंड वन राइट। सो यहाँ पे है, तो इधर तक तो मैं बस पे आया था, लेकिन ये है कि यहाँ पे अभी वापसी पे ट्रेन पे जाएंगे क्योंकि आई हैव द डेली पास। साथ में ये कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। तो पोस्ट ऑफिस इधर ही है, लेट मी फाइंड आउट। या पोस्ट ऑफिस इज राइट देयर, पोस्ट ऑफिस। तो चलते हैं और फॉर्म लेते हैं D1 एंड फिलर। प्रॉपर्टी ऑफिस चिंगफर्ड। Top nails, ladies shop. Funeral directors, Johnsons, and this is the post office. साथ ही है, बिल्कुल साथ ही है। तो ले लेते हैं यार फॉर्म वगैरह, फिर किधर जाएंगे, ऑफिस से भी छुट्टी ली हुई है तो फॉर्म लेते हैं और इस चीज़ को भी कंप्लीट करते हैं। दिस इज चिंगफर्ड पोस्ट ऑफिस, लेट्स गो। Collectors, passport, travel, cash deposit, clever. Start. Okay. Okay. So these are the forms here. This is small post office, Chingford. So these forms are. V52 hai. Or.
Let me see. 52. जी भैया, सही आपको दिखा दूँ, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है जो मैंने पास किया आज अल्हम्दुलिल्लाह 13th of June को, एंड बैक पे ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आप देख लें, फिर आप स्क्रीन शॉट्स लेके पढ़ लें। तो ये D1 फॉर्म मार्क की, अगर आपका एड्रेस चेंज है तो आपने ये फिलअप करके सेंड करना है। हाँ जी व्यूअर्स, तो सीन ऐसे हैं कि अभी मैं चलता हूँ वापस स्लाउ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर लिया, पिछली दफ़ा नहीं क्लियर हुआ था, ये माइनर मिस्टेक थी, लेकिन कोई मसला नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ काफ़ी माइनर मिस्टेक पे आपको फेल कर देते हैं, लेकिन कोई नहीं, डिसहार्ड नहीं होना, आप लोगों ने इंशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में भी आप क्लियर कर सकते हैं, तो गाइड करेंगे आपको फर्दर चैनल पर। अगर आपने थ्योरी वाली टेस्ट की वीडियो मैंने चैनल पर डाली थी, वो जो कि इधर मैं अभी डाल देता हूँ उसका स्क्रीनशॉट, वो आपने नहीं देखी तो वो देख लें एक दफ़ा, किस तरह थ्योरी टेस्ट क्लियर करना है और कौन सी ऐप मैंने रिकमेंड की थी, आप वो यूज़ करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलें व्यूअर्स जी, अभी मैं चलता हूँ, वापसी है घर, और आज छुट्टी की ऑफिस है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल के साथ बने रहिए, और इसको ग्रो करने में हेल्प करें, मोटिवेशन मिलती है फर्दर इस तरह की वीडियोस बनाने में, इन्फॉर्मेटिव आपके लिए, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।